देवास ग्राम पंचायत नामनपुर में सरपंच सचिव की दोगुली नीति आई सामने। आदिवासियों पर कर रहे अत्याचार को लेकर ग्रामवासियों ने कन्नौद एसडीएम महोदय को दिया ज्ञापन। जेएस के जिला उपाध्यक्ष बलराम पप्पू कर्मा के द्वारा बताया गया कि कन्नौद सतवास तहसील ग्राम पंचायत नामनपुर में एसटी एससी गरीब वर्ग के ऊपर सरपंच भागीरथ भुसारी, सचिव दिनेश जाट के द्वारा गरीबों पर हो रहा अत्याचार अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी कन्नौद से मिले और सरपंच भागीरथ भुसारी, सचिव दिनेश जाट के द्वारा मनमानी और भ्रष्टाचार के चलते मनमानी तरीके से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पक्षतापूर्ण तरीके से करने का विरोध किया। साथ ही योग्य जरूरतमंद और पात्र लोगों को भी लाभ मिले इस हेतु ज्ञापन सौंपा गया और अगर समय रहते हुए नाम नहीं जोड़ा गया तो जय आदिवासी युवा शक्ति जेएस के द्वारा आंदोलन किया जाएगा जिसकी पूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से महेश वारिवा के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। दतिया से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भांडेर एसडीएम अरविंद महौर एवं उनके साथ सुरक्षा गार्ड पर अवैध खनन माफियों द्वारा अभद्रता एवं हमले का वीडियो मीडिया के पास आया, जिस पर मीडिया कर्मियों द्वारा एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने घटना को स्वीकार करते हुए मामले पर प्रकाश डालते हुए सत्यता बताई। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के भ्रमण के दौरान ग्राम केलवारी में सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, जहां जेसीबी एवं एलएनटी मशीन से शासकीय भूमि पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए। जब एसडीएम के द्वारा इस कार्य की दस्तावेज एवं मशीन चलाने की परमिशन दस्तावेज मांगे गए तो ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जो स्पष्ट था कि पंचायत सचिव एवं खनन माफिया की मिलीभगत से हो रहा था शासकीय भूमि पर मिट्टी का खनन। एसडीएम द्वारा अनाधिकृत रूप से चल रही जेसीबी की चाबी निकालकर बंद करने को कहा तो सचिव रमाकांत दागी एवं सहयोगी मुकेश दागी द्वारा प्रशासनिक कार्य में बाधा डालते हुए एसडीएम एवं उनके सहयोगी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, क्योंकि मामला दिन का था, यदि रात का होता तो एसडीएम की जान भी जा सकती थी। उस घटना को लेकर भांडेर एसडीएम द्वारा जिला पंचायत अधिकारी एवं भांडेर पुलिस को भी अवगत कराया गया, जिस पर नहीं हुई किसी भी प्रकार की कार्रवाई। यही देखा जाए तो एक प्रशासनिक अधिकारी से इस प्रकार का अभद्र व्यवहार सवाल खड़ा करता है कि एक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। अतः घटना को संज्ञान में लेते हुए प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने एवं एक प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा को देखते हुए अपराधियों के विरुद्ध प्रशासन के आला अधिकारियों को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बीसीएन न्यूज के लिए भांडेर से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। आईडीगाड़ी मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही उजागर, जिंदा व्यक्ति को किया मृत घोषित, पंचायत ने जारी किया मृत्यु प्रमाण पत्र, जानकारी लगने पर किया गया निस्तीकरण। उज्जैन कोरोना वायरस के साथ में लड़ने और उसे हराने के संकल्प को लेकर शासन प्रशासन और देशवासी जब एक दिखाई दे रहे थे, संकट के इस दौर में आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज से जो तस्वीरें उभर कर सामने आई वे शर्मसार व हैरान कर देने वाली रही है। कहीं बिना वेंटिलेटर के एम्बुलेंस में आखिरी सांस गिनती महिला जो समय पर उपचार नहीं मिलने से दम तोड़ गई, वही कोरोना काल में मौत को लेकर अखबारों की सुर्खियों में चर्चा में रहने और प्रबंधन की लापरवाही और अनियमितताओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाल ही में एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर उसकी जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत को देने और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने और उसके निस्तकरण का एक मामला प्रकाश में आया है। ये आपके द्वारा ये मामला अभी संज्ञान में लाया गया है, करीब पिछले वर्ष अप्रैल की घटना आप बता रहे हैं। इस संबंध में जो भी इसमें संबंधित विभाग है, पंचायत और आरडीगाड़ी, दोनों को मेरे द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि प्रकरण से संबंधित सभी तथ्य जो है मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे कि जो है इसमें पता चल पाए कि क्या वस्तु स्थिति। जानकारी के अनुसार 3 अप्रैल 2020 को आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा कोरोना संक्रमण से मृत लोगों की जानकारी सुसा ग्राम पंचायत को भेजी गई थी, जिसमें अब्दुल समद पिता मोहम्मद यूसुफ निवासी राम प्रसाद भार्गव मार्ग वार्ड क्रमांक 14 उज्जैन का नाम भी शामिल था। इस पर पंचायत द्वारा उक्त व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। 3 माह के लंबे अंतराल के बाद यह मामला सामने आने पर दिनांक 10 जुलाई 2020 को वार्ड क्रमांक 14
में कथित मृतक अब्दुल समद पिता मोहम्मद यूसुफ के निवास पर जांच के लिए पहुंचे पंचायत सचिव ने उसकी मुलाकात की तो जीवित पाया गया। इस मौके पर पंचनामा तैयार कर आसपास के लोग और क्षेत्रीय पार्षद सलीम कबाड़ी से संपर्क कर जानकारी लेने पर उनके द्वारा अब्दुल समद को जीवित होना बताया और कहा कि त्रुटिवश अस्पताल प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया था। इस पर त्रुटि सुधार करते हुए मौके पर ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र का निस्तारण किया गया। इस संबंध में SDM घटिया गोविंद दुबे से चर्चा करने पर उनके द्वारा कहा गया कि मामला संज्ञान में आया है, संबंधित विभाग जानकारी मांगी गई है। इसमें ऐसा हुआ था कि RTRD रिपोर्टिंग करता है ग्राम पंचायत को कि कितने व्यक्ति यहाँ मृत हुए, कितने व्यक्ति जन्म हुए। उस रिपोर्टिंग के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। RTRD द्वारा अप्रैल माह में इसकी सूचना ग्राम पंचायत को दी गई थी। पूरा ऑनलाइन माध्यम रहता है, उसके माध्यम से अपलोड करके और ऑफलाइन दस्तावेज प्रस्तुत करके सूचना दी गई थी कि व्यक्ति हमारे यहाँ मृत हुए। इसके आधार पर हमारी ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जिसमें पूरी तरह RTRD प्रशासन के द्वारा ये किया गया है। BCN न्यूज के लिए उज्जैन से मेहरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर में 50 लाख की लागत से नवनिर्मित राणा पुष्पेंद्र सिंह मेमोरियल स्टेडियम 5 वर्ष में सुरक्षा के अभाव में हुआ क्षतिग्रस्त। नगर परिषद देवेंद्र नगर द्वारा निर्माण कर शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य को हैंडओवर किया गया था, लेकिन प्राचार्य के द्वारा उक्त स्टेडियम को लावारिस छोड़ दिया गया जो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा समय रहते स्टेडियम के रखरखाव में नहीं दिया गया ध्यान। समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता तो 50 लाख की सरकारी संपत्ति नहीं होती क्षतिग्रस्त। लेकिन कहावत है कि बॉडी खेत नहीं खाती, लेकिन यह कहावत चरितार्थ हो रही है, बॉडी खेत खा रही है। जिम्मेदार प्राचार्य स्टेडियम की सुरक्षा करने की जगह उक्त स्टेडियम को छोड़ा असामाजिक तत्व के हवाले, जो 5 साल में ही नवनवीनतम स्टेडियम के परछक्के उड़ गए, हो गया क्षतिग्रस्त। शासकीय संपत्ति के रखरखाव की जिम्मेदारी आखिरकार शासकीय नुमाइंदों की होती है, जिसे लावारिस छोड़ दिया गया है, जिसे असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। 50 लाख की लागत से नवनिर्मित स्टेडियम क्षतिग्रस्त होने को लेकर नगर परिषद देवेंद्र नगर के तत्कालीन अध्यक्ष शंभु प्रसाद सोनी से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि नगर परिषद के द्वारा निर्माण कर विद्यालय प्राचार्य को उक्त स्टेडियम को हैंडओवर कर दिया गया था, जिसके रखरखाव करने की जिम्मेदारी प्राचार्य की है, लेकिन सुरक्षा करने की बजाय उनके द्वारा लावारिस एवं असामाजिक तत्वों के हवाले छोड़ दिया, जिसकी जिम्मेदारी विद्यालय प्राचार्य की है। पन्ना कलेक्टर को लापरवाह प्राचार्य की कार्यप्रणाली को संज्ञान लेना चाहिए। जांच कराकर दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। BCN न्यूज के लिए पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।